प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड सिविल रिक्वायरमेंट के लिए विस्फोटक और एसेसरीज की पूरी रेंज का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 80 में मिस्टर एन गुप्ता द्वारा की गई। इसका वर्तमान कारोबार प्रतिवर्ष लगभग 600 मिलियन है। स्थापना के बाद सन 1990 तक यह पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ विस्फोटक और डेटोनेटर का निर्माण करने वाली एक रिसर्च और इनोवेटिव कंपनी रही है तथा सन 2013 में प्रीमियम एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने निकिल हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ डेटोनेटर का व्यावसायिक पैमाने पर निर्माण शुरू किया था, जो कि ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी के रूप में शामिल हुई। इसके साथ ही सन 2003 में रक्षा उत्पादों के लिए अपने अनुसंधान तथा विस्तार करते हुए प्रीमियर एक्सप्लोज लिमिटेड ने सॉलिड प्रोपेलेंट के विकास में कदम रखा। आज यह भारत में आकाश अस्त्र जैसी मिसाइलों के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट की सप्लाई करने की एकमात्र निजी कंपनी है। डिफेंस के अलावा यह कंपनी अपनी 6 निर्माण इकाइयों में खनन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक विस्फोटक आदि का निर्माण कर रही है, जैसे थोक विस्फोटक, पैकेज विस्फोटक, कास्ट बूस्टर, इमल्सन बूस्टर, डेटोनेटर, डेटेनिंग फ्यूज। प्रीमियर अपने सेगमेंट में एक प्रमुख कंपनी है जिसके मार्केटिंग नेटवर्क पूरे भारत में है। कंसाइनमेंट एजेंट, डीलर और हैंडलिंग एजेंट आदि हैं। कंपनी एशिया के कई देश जैसे मध्य पूर्व और मिडिल ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करती है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में शेयर का करंट प्राइस 26 रुपये तथा फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये और पीई 44। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है इसमें 41.3%, एफआई होल्डिंग है 0.27% तथा डीआईए होल्डिंग है 3.46%, जबकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग है इसमें 54.9%। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से भी कम है जबकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। बस यहाँ एक थोड़ा सा कंसर्न है। बात करें रेवेन्यू की, कंपनी ने सन 2019 में 253 करोड़ का रेवेन्यू किया था जबकि 2020 में यह घटकर 164 करोड़ रह गया था। 2021 में इसने 152 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। इस हिसाब से लास्ट 2 सालों में कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इसकी आगे से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि जिस तरह देश में डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इसके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, कोरोना वायरस से पहले तक कंपनी सन 2019 में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद 2020 और 2021 में कंपनी ने 10 करोड़ का नेट घाटा दर्ज किया है, जबकि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 4.76% है तथा ऑपरेटिंग मार्जिन 0.64% है। देखते हैं EPS, क्योंकि पिछले 2 सालों में रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिली है और इसके EPS में भी कमी देखने को मिली है। जहां सन 2019 में इसका EPS था 10.5, जो कि अभी घटकर नेगेटिव हो गया है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 0.3, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। जिन कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होता है उन्हें ठीक ही माना जाता है। 1 से ऊपर जाने पर ही इसको कंपनी के लिए नेगेटिव कहा जा सकता है, लेकिन यह कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं है। अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक साल पहले इसके शेयर का प्राइस था 140 रुपये, जो कि बढ़कर अभी 319 रुपये हो गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वैसे भी इसके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरी अन्य कंपनियाँ कमी बनाते हैं, इसलिए इस कंपनी को हम मोनोपोली कंपनियों के रूप में भी देख सकते हैं। चूँकि मोनोपोली कंपनियों को बाजार अच्छा रिवार्ड देता है, इसलिए इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसे एक ग्रोथ स्टॉक्स के रूप में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।